नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की रतनपुरी थाना पुलिस ने 27 जुलाई को फोन पर शगुन किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के मालिक सतीश कुमार से फोन पर रोहित सांडू गैंग के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले तीन शातिर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तीनों व्यक्तियों के कब्जे से मोबाइल फोन और जिस सिम से रंगदारी मांगी गई थी वह सिम भी बरामद कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, सोमवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप मालिक के भांजे ने ही अपने मामा से 10 लाख रुपए की रोहित सांडू गैंग के नाम पर रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए सर्विलांस की मदद से मामले का खुलासा कर दिया और तीनों आरोपी संजीव, रमेश और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों शातिर युवकों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि यह अपने मामा से मजाक कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर अभी जांच कर रही है। अब थाना रतनपुरी में पेट्रोल पंप मालिक से फोन करके कुछ लड़कों द्वारा अपने को रोहित साड़ू गैंग का मेंबर बताकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उनकी सूचना पे पुलिस ने FIR दर्ज करके और 6-7 घंटे में ही मोबाइल और सिम और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, पकड़े गए आरोपी कौन थे? बाद में पूछताछ पता चला कि उनके पारिवारिक जनी थे, उनके नज़दीक के रिश्तेदार थे और उनका कहना है कि हमने मजाक में हमने फ़ोन पर धमकी दे दी थी। मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था, परंतु ये अभी विवेचना का विषय है, विवेचना चल रही है। जो भी सही बात होगी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। शामली जनपद के कैराना में मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में धारदार हथियार भी चले। संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पथराव व फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर तत्काल कैराना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कैराना CSC में भर्ती करा दिया, जहां से कई लोगों को हालत गंभीर चलते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सख्ती कर दी है और इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाली कैराना के आज दो परिवारों के बीच में, जो आपस में दूसरे के रिलेटिव लगते हैं, नसीर अहमद कुरैसी और इस्तकार कुरैसी, इन दोनों परिवारों के बीच में जो आपस में मामा पोती लगते हैं, इनके बीच में कहासुनी हुई। कहासुनी होते होते बात बिगड़ गई, आपस में मारपीट की घटना घटित हुई है। पुलिस को तत्काल सूचना मिलती है, दोनों बच्चों में से एक पक्ष से 4 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से भी 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और 4 व्यक्ति जो घटना में शामिल थे उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। पुलिस के द्वारा जाँच की कार्रवाई की जा रही है और जैसा ही करीब प्राप्त होगा उस तदनुसार उसके द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा ने हरियाणा के पानीपत के गांव बिझोल में 3 बच्चों की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करने को लेकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संयोजक इंजीनियर देवेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि देश व प्रदेश में पिछड़ो अति पिछड़ो ने पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार पिछड़ो और अति पिछड़ो पर ही किया जा रहा है। दिन दहाड़े हत्या बलात्कार हो रहे हैं, न्याय मांगने वालों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। प्रशासन द्वारा गरीब व पीड़ितों का शोषण किया जा रहा है। महासचिव जय भगवान कश्यप ने कहा कि 7 जुलाई 2020 को 6 बच्चे पतंग की डोर लेने गांव के विलेज हाउस में गए थे। यहां मैनेजर ने देख लिया और एक बच्चे को थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। तीनों बच्चों ने भागकर परिजनों को सूचना दी। वे लोग मौके पर पहुंचे तो 10 वर्षीय लक्ष्य, वंश, 12 वर्षीय अरुण नहीं मिले। उन तीनों बच्चों के शव पास के राजवाहे में पड़े मिले। पुलिस ने विलेज हाउस के मालिक, उसकी माँ व मैनेजर सहित 12 लोगों पर हत्या का केस दर्ज करा दिया था, लेकिन घटना को लगभग 1 माह होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो धरना कर रहे बेकसूर लोगों को रिहा किया जाए और बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के लिए पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सचिव, आज हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ADM साहब को जो ज्ञापन दिया, जो बझोल गांव बझोल पानीपत हरियाणा में पड़ता है, वहां पर 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। उस हत्या का मुकदमा 12 लोगों के खिलाफ हुआ था, जो आज तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया खट्टर सरकार के द्वारा। तब 30 अगस्त को वहाँ पर बिझोली के गाँव के सभी लोग 36 बिरादरियों के इकट्ठे होकर न्याय के लिए गए, लेकिन उन्हीं लोगों को लाठी चार्ज कर दिया खट्टर सरकार ने। हम की निंदा करते हैं और यही ज्ञापन दिया है कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हमारे अति पिछड़े समाज कश्यप समाज के अति पिछड़े समाज ने 100% वोट दिया केंद्र में भी और राज्य में भी। और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि सबसे अधिक जो शोषण हो रहा है
तो कश्यप समाज वे अति पिछड़े समाज पर ही हो रहा है, ये शोषण रुकना चाहिए। और सरकार को हम ये जता देना चाहते हैं कि ये ऐसे इतने कब तक सहेंगे ये शोषण जो होता रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया और सरकार को बता देना चाहते हैं अगर सरकार ने उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी नहीं की तो संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगा। ज्ञापन हमने दिया है कि 7 जुलाई को पानीपत के बिजोल गांव में जो 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी उसके विरोध में उन 12 व्यक्तियों के नाम जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसमें कोई कार्रवाई ना होने पर 30 जुलाई को वहां पर अति पिछड़ों और कश्यप समाज के 36 बिरादियों ने मिलकर के एक ज्ञापन दिया था उसमें पानीपत में, लेकिन वहां पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जिसमें महिलाओं को काफ़ी चोट आई। उसके साथ साथ 39 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया और उस 500 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ। हम खट्टर सरकार की निंदा करते हैं कि ये अति पीड़ा समाज उनको सबसे ज़्यादा वोट देता है, उसके ऊपर ही अत्याचार हुए हैं और अत्याचार हुए हैं तो उसको खमियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही हालत उत्तर प्रदेश सरकार की है कि अति पिछड़ों का कश्यप समाज का सबसे ज़्यादा दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है और इस शोषण को रोका जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को हम दिखा देंगे कि जैसे हम उसको सरकार को 100% वोट दिया था इसी तरह उसका हम खत्म कर देंगे। और संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा, अगर उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता 12 को और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश नहीं देश में ही संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा जोरदार आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतर कर सरकार का विरोध करेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की और देश में होगी। ये जो ज्ञापन हमने दिया है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम। श्री राम जन्मभूमि पूजन के चंद घंटे ही बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे। इस ऐतिहासिक घटना के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। भूमि पूजन से पहले किए जाने वाले अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। आमंत्रित साधु संतों एवं अतिथियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। संपूर्ण अयोध्या रोशनी से जगमगा गई है। नगर के सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से रोशनी से सजाया गया है। भूमि पूजन के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हम जो है लखनऊ से आए हुए मोदी जी आ रहे हैं और उनको वजह से ये सब पेंटिंगें हो रही है। 27 तारीख से हम लोग कर रहे रात और अयोध्या को अच्छा और सुंदर दिखने के लिए ये सब काम हो रहा है। राम की आधारित जो है पेंटिंग पर कर रहा हूँ और बाकी तो और कोई पेंटिंग हो नहीं, सीनरी बना रहे हैं बस। तो आप यहाँ कब से रुके हुए हैं? यहाँ तो हमें हो गया 10 दिन। 10 दिन से हम लोग रुके हुए हैं। जनपद सहारनपुर के खंडलाना देशी शराब के सरकारी ठेके पर लगी सील को हटाकर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने गांव के बाहर ठेके को स्थानांतरित करते हुए पुनः सुचालू कर दिया है। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व खंडलाना में देशी शराब के ठेके पर गांव की महिलाओं ने क्षेत्र में शराब की लत के युवा वर्ग के शिकार होने का आरोप लगाते हुए ठेके को गाँव की आबादी से बाहर स्थानांतरित किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। आरोप है कि उसके बाद ठेके पर तैनात सेल्समैन ने एक साजिश के तहत ठेके पर अवैध शराब बेचे जाने का आरोप लगाकर आबकारी विभाग की टीम को मौके पर बुलाते हुए ठेके को सील करा दिया था। ठेकेदार ने मामले के संबंध में जिलाधिकारी व जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराते हुए प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जिस पर प्रशासन ने निर्णय लेते हुए सोमवार को ठेके को गांव की आबादी के बाहर स्थानांतरित कर पुनः चालू कर दिया। आबकारी अधिकारी विंद्रेश कुमार ने बताया कि ठेके पर अवैध शराब की बिक्री किए जाने के आरोप सरासर निराधार था। उसकी जाँच में आरोप गलत पाए गए, वहीं स्थानांतरण कर निर्माणाधीन नवनिर्मित ठेके को पुनः चालू कर दिया गया है। दोबारा एक शराब का ठेका है, देसी शराब का, यहाँ बड़े भाई के नाम से है। कहाँ पे? ग्राम खड़लाना में। जी जी, आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं भाई, एक दिन पहले 3-4 रोज पहले यहाँ जी जो लोग पहले दुकान चला रहे थे उन्होंने हमारे साथ षड्यंत्र करके और झूठी अफवाह फैला के वो आबकारी टीम को बुलाया और झूठा प्रचार कर दिया कि भाई यहाँ तो अवैध शराब या नंबर 2 की शराब बिक रही है। जी जी, उसमें आबकारी पूरी टीम थी, उन्होंने जाँच करी। जाँच करने में सैंपल ले गए हुए यहाँ से संदिग्ध जो उन्होंने लगा, सैंपल की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कल हमारी रिपोर्ट आ गई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल ओके से आई रिपोर्ट, सही। जी जी,
और अब वही टीम दोबारा आकर आज हमारी दुकान खुलवागी जी, और भविष्य में हमसे कहेगी कि भाई अगर आइंदा कुछ ऐसा होगा तो वे लोग हटा दिए गए जो पहले दुकान पर थे, अब दूसरे लोग अपने हमारे अपने रहेंगे। अब मेरी तो यही है, हम शुरू से ही भविष्य में भी अपने लोगों से हम यही हिदायत करते हैं भाई, एक तो बिल्कुल भी कोई गलत काम ना हो, अवैध तरीका का कोई काम ना हो, जो सरकार के नियम हैं उनके अनुरूप चल के हम अपना सरकार यही दुकान चलाएं। भविष्य में भी अगर कोई अफवाह भी फैलाई जाती है तो उसकी जांच करी जा और उसमें हम भी सहयोग देंगे पूरा, ये जो झूठी अफवाह फैलेंगी। कुछ लोग झूठी अफवाह फैलाते रहे ये नंबर दो का करते हैं, अवैध शराब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो सरकार के निर्देशों के अनुरूप लाइसेंस ले रखा, उन्हीं के अनुसार वो चलाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर में आज सुबह गोबर डालने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान पथराव में कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर चरथावल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर में आज सुबह गोबर डालने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और जो धीरे धीरे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव किया गया जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुबे सिंह यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में किया। पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती कराते हुए चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी में बिजली की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया जिसकी चपेट में आने से एक दुधारू भैंस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी निवासी शौकीन की भैंस गांव के बाहर खेत पर चल रही थी, तभी अचानक से हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया जिसकी चपेट में आने से भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला ऐसा है, एक खंभा यहाँ से जंगल में है और उसका 11,000 का फ्यूज जो है इसकी तान पे लगा हुआ था, भैंस जैसे इसके पास से गुजरी 11,000। कितने दिन से लगा हुआ था जी ये? लगभग सुबह से तार लग रहा था, बिजली विभाग वालों कहने के बावजूद भी नहीं हटाया, जिससे विद्युत विभाग की पूरी लापरवाही है। तो जय साहब ने आपको क्या बताया? जय साहब से बात हुई, अभी वो कह रहे हैं उनको देखते हैं, हम आके देखेंगे जब बताएंगे। मौके पे नहीं पहुंचे अभी तक, कोई नहीं पहुंचा। एक घंटा हो गया तक आए नहीं, कई घंटे हो चुके हैं। आने के बाद गाँव वालों की मांग है कि यहाँ मौके पर आए और इस गरीब आदमी का बेचारे का जितना नुकसान हुआ वो उसे दिया जाए। पानी पी गए थे, तार टूट रहा था और लग गया, मर गई समझ। तार कहाँ पे टूटा हुआ था? मैं खंबे बता जी, उसका तार लग गया जी, पहले टूटा हुआ था तार जी। अच्छा, कितनी कीमत थी तुम्हारी भैंस की? लगभग जी हो गया 80-85 रुपये। अच्छा जी, क्या करते हो तुम? मजदूरी कराएंगे। चलो ठीक, चलता हूँ मजदूरी का। अच्छा, अमरोहा की हसनपुर सीएससी में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने महिला पहुंची, जहां पर एंटी रेबीज ना होने के चलते उसे वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बंगर निवासी शिमला को 3 दिन पूर्व आवारा कुत्तों ने काट लिया था, जिसके बाद उसने सीएससी केंद्र में आकर एंटी रेबीज लगवा ली थी। वही 3 दिन का समय देने के बाद महिला सीएससी केंद्र पर पहुंची और दोबारा एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लग सका। महिला ने बताया कि सीएससी केंद्र प्रभारी मना कर रहे हैं कि एंटी रेबीज अस्पताल में नहीं है, वही इंजेक्शन नहीं होने के कारण महिला को बैरंग लौटना पड़ा। कुत्ते ने काटी तो परसों मैंने आई ही इंजेक्शन लगवाना तो लगा हा, अब आज नु कह दे क्या आए फिर ना यहाँ और क्या था अना हम रोए जइयो या ना रहे तो इंजेक्शन थे यहाँ पर मना ही कर दिया। अब इस बात को तो ही जाने है ये ना है, पर मुझसे तो मना ही कर दिया। कितने लोग बैठे हैं यहाँ? अकेले ही हैं और ना कोई भी। अमरोहा के हसनपुर में विद्युत ग्रह पर नाला चौक होने से गंदा पानी भर गया है, जहां पर संचारी रोगों का डर सता रहा है। आपको बता दें कि नगर के ब्लॉक कॉलोनी के नजदीक विद्युत ग्रह पर नाला चौक होने के कारण गंदा पानी भरा हुआ है, जिसका विरोध करते हुए विद्युत एसएसओ नीरज कुमार ने बताया कि नगर पालिका सहित उपजिलाधिकारी को कई बार इसकी शिकायत कर ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन यहां पर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई और इस गंदे पानी के भरे होने के कारण बड़े संक्रमण एवं संचारी रोगों की उत्पत्ति हो रही है। मच्छरों के अधिक होने से डेंगू जैसी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे कई पिछले वर्ष भी हमने कई बार शिकायत करी है नगर पालिका वालों को भी और ज्ञापन भी दिया हुआ है,
पानी भरा हुआ रहता है, ऐसे पानी भरे रहे थे हर बार, दीवार भी सभी आसमान डेंगू वगैरह की बीमारी हुई है और एक आदमी या डेंगू की चपेट में पिछली बार खत्म भी हो गया था। अब के भी इस बार भी हमने कई बार शिकायत करी है नगर पालिका वालों से कि इसका निस्तारण किया जाए पानी भरा के संबंध में, अभी तो कोई इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। अब इसकी वजह से हमारे अभी दो तीन दिन पहले हमारे जेई साहब की भी तबीयत खराब हुई है, बुखार उनको चल रहा है अस्पताल मौजूदगी में, इसकी पानी भरा में ये गमकी भूख रहती है, उसमें बच्चे काफ़ी समय में रहते हैं, ना तो यहाँ कोई सैनिटाइजर होता कहने की बात में भी और ना ही यहाँ कोई सफाई भी होती है। क्या शासन अधिकारियों ने किया? यही है कि आप फोन वगैरह बात करते हैं कि हाँ कल करा देंगे परसों करा देंगे, बस यही है। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस ने बाजार में ई रिक्शा एवं बाइकों की एंट्री बंद करा दी, जहां पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने सब इंस्पेक्टर एवं कस्बा इंचार्ज मनोज कुमार ने पुलिस टीम के साथ नगर के मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिसमें ई रिक्शा एवं बाइक आदि को मेन बाजार में नहीं जाने दिया गया, तो वहीं नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उन्होंने स्टंट करने वाले तीन लोगों को बाइक पर बैठाकर चलने वाले बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई भी की। वहीं उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वालों से समन शुल्क भी वसूला। अमरोहा के हसनपुर में रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिठाइयों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जिया उड़ाई गई। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर जहां मिठाई खरीदने के लिए नगर के बाजार में मिठाई की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जिया उड़ी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी बाजार में दिखाई नहीं दिया और न ही दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। साथ ही आने जाने वाले लोगों एवं भाई बहनों की भीड़ जुटी रही, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जिया उड़ी। अमरोहा के हसनपुर में भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहन ने 100 किलोमीटर का सफर तय कर राखी बांधी। आपको बता दें कि नगर के रहने वाली युवती कमलेश का 30 वर्ष पूर्व अलीगढ़ के अतरौली में विवाह हुआ था, जहां से प्रतिवर्ष वह अपने भाई एवं भतीजों की कलाइयों पर राखी बांधती चली आई है। इसी क्रम में वह लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने भाई के घर पहुंची। दोपहर तक भूखी प्यासी बहन ने निवारा तक नहीं खाया और भाई एवं भतीजों की कलाइयों पर राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण किया। उधर भाई एवं भतीजों ने भी व्रत रखकर बहन का इंतजार किया। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारी बुआ जी हमारे पापा जी के भाइयों के मम्मी के और मेरे राखी बांधती हैं, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार है जो हम लोग चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी बुआ जी की रक्षा करें, हर परिस्थिति में उनका साथ दें, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें उनका साथ दें। तो कितने वर्षों से ये